Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Archana. Good evening, Neha. Good evening, Vimal. Good evening, Ria. Kaise ho aap sab? I hope you all are doing good. स्वस्थ हो खुश हो रिवीजन अच्छे से कर रहे हो और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रहे हो इसी के साथ मैं आज के सेशन को शुरुआत करती हूँ और आज हमने 2012 का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं लेकिन क्योंकि हम रिसेंट अभी इन्हीं दिनों में 2012 के ही पेपर जो है वो देख रहे थे हर एक सेगमेंट से सो आई डिस्कस्ड विद यू येस कि अगर मैं 2012 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हों वो डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहे क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले ही हमने 2012 के हर एक सेगमेंट से पॉलिटी कंप्लीट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर साथ साथ जोग्राफी का सेक्शन जो है वो देख लिया है कमिंग मंडे से हम लोग क्या करेंगे 2013 से लेकर 2010 का जो इकॉनॉमी का सेक्शन होगा वो कवर कर लेंगे जैसे ही इकॉनॉमी का सेक्शन कवर होगा हम लोग 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख चुके होंगे तो इसी के साथ अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूं और आप अपने आंसर जो है वो स्टार्ट कर देना सभी जो है आई थिंक ज्वाइन कर ले फटाफट से इससे पहले मैं आपको बता देती हूं टेक्स बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है इस पास में आपको 290 प्लस एग्जाम्स की जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं सब मिलेंगे 15,000 प्लस मुक टेस्ट मिलेंगे सिर्फ टू नाइनटी में होगा और साल भर के लिए होगा फर्स्ट अप्रैल को इसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इसलिए अगर आप पास को अवेल करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड होली स्पेशल है आप ये पास ले सकते हैं ओके सो आई गेस सब आ चुके हैं मोस्टली गुड आफ्टरनून स्विंकल गुड इवनिंग आशुतोष हेलो कृष्णा गुड इवनिंग अजय आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड अच्छे हो अच्छे से कर रहे हो तैयारी खुश हो नो टेंशन नो वरीज सबसे बड़ी बात तो जो पढ़ रहे हो उसको खुशी खुशी पढ़ो हंसते हंसते पढ़ो टेंशन के टेंशन लोगे तो मतलब आई डोंट थी सबसे मेरा बेसिकली मोटिव यही रहता है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हों वो कभी टेंशन नहीं लें और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें ठीक है सो एक्चुअली हाँ मंडे एक्चुअली क्लास नहीं होगी मंडे क्योंकि ऑफ है होली है ट्यूजडे को क्लास होगी ठीक है थैंक यू रिया फॉर रिमाइंडिंग सो अब इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं हेलो मनोज अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पे ये क्वेश्चन है अभी हम लोग स्टार्टिंग में कितनी बार ये अथॉरिटी पढ़ चुके होंगे यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि ये अथॉरिटी के फंक्शंस क्या है कंप्लीट यही होता है बस यूपीएससी तीन चार चीजों में ही मेनली घूमती है क्या उस अथॉरिटी वो अथॉरिटी कैसी बॉडी है किसी एक्ट से बनी है ऑटोनमस है या नहीं है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पर्पज क्या है उसका फंक्शन क्या है यही सब चलता रहता है हैप्पी होली थैंक यू यू सेम टू अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे पास स्विंकल का आंसर आ गया दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है और किसी का कोई आंसर है तो यहां पर देखो नेशनल डायरेक्टली मोनिटर्स एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ क्रोप प्लांट्स तो यहां पर ना एक्चुअली Uh, काफी बच्चों के आंसर सी आ रहे हैं गुड इवनिंग सुमन यहाँ पर बेसिकली आंसर आप लोग फर्स्ट एंड थर्ड बता रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर ठीक भी हो लेकिन हुआ क्या था ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर uh, काफी एक टसल था फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में ठीक है तो यहाँ पर ना एक्चुअली इसका आंसर सेकंड है जब आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो यूपीएससी ने एक ये भी रोल बताया है कि जेनेटिक मोडिफिकेशन क्रॉप प्लांट्स का उन बायोलॉजिकल रिसोर्स रिलेटेड उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड ये सारा कुछ जो है एन बी करती है और सुपरवाइज करती है तो यहां पर इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाता है ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बेसिकली क्या होता है कुछ इंस्टीट्यूट्स uh, में आप देखोगे जो आंसर की निकलती है तो वेलिड होते हैं तो यहां पर जब तक हम चाहे 2020 का अभी पेपर क्यों ना हुआ हो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती ना तो तब तक हम लोग बेसिकली uh, किसी कुछ किसी का कुछ आंसर रहता है तो ऑफिशियल आंसर की के अंदर इसका जो आंसर था वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रहा है आप मुझे बताओ नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक एक्ट से बनी है किसी को वो एक्ट का नाम याद है गुड इवनिंग आनند डू एनीवन नो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जिस एक्ट से बनी है किस एक्ट के थ्रू इस बॉडी इस अथॉरिटी बेसिकली फ्रेम हुई थी प्लेसेज इन न्यूज़ का सेकेंड पार्ट जल्दी ही आएगा आई थिंक कमिंग सैटरडे या फिर ट्यूजडे आई थिंक आपको मिल जाएगा क्योंकि मंडे ऑफ है कल या फिर ट्यूजडे डेफिनेटली आपको मैं प्लेसेज इन न्यूज़ का सेकेंड पार्ट दे दूंगी राम मुझे यहाँ पर इसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ओके रिया देखो यही मुझे था कि मैक्सिमम बच्चे इसका यही आंसर करते हैं यहाँ पर बिल्कुल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था बायोडाइवर्सिटी डियो एक्ट जो है ना ये ध्यान रखना है यहीं से ही यूपीएससी कंफ्यूज करती है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है उस एक्ट के थ्रू बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एक्ट जो है इस एक्ट के थ्रू बेसिकली ये अथॉरिटी बनी थी और अगर यूपीएससी ने कभी पूछा आपसे कि क्या ये ऑटोनमस बॉडी है तो बिल्कुल आप वहां पर मैंशन कर देना कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है तो ध्यान रखना इसको ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और ये आपके स्टैटिक में एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ नेशनल वाटर मिशन से रिलेटेड है नेशनल वाटर मिशन बेसिकली उस टाइम पे 2012 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे मैं ये ज़्यादा बताना जरूरी समझूंगी यहाँ पर और इसका जो ऑप्शन डी है वो है ऑल ऑफ द अबर्ल्ड तो यहां पर ना एक्चुअली नेशनल वाटर मिशन पे क्या क्वेश्चन है देखो इंप्लीमेंट हो गया कोई भी मिशन इंप्लीमेंट हो गया अब यूपीएससी पूछ रही है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा हमारी कंट्री पे तो यहां से सवाल आया तो यहां पर देखो वाटर मिशन का इंपैक्ट क्या होगा कि जो भी वाटर जो भी जरूरत है अर्बन एरियाज के अंदर फ्रे वेस्ट वाटर से वो रिसाइकिल हो जाएगा ऑब्वियसली कोई भी मिशन है तो उसका ये इंपैक्ट तो होगा हो ही होगा हम हमेशा चलते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे थर्ड स्टेटमेंट देखो ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ पेनजुलर इंडिया क्या ऐसा हो सकता है जितनी भी रिवर्स है ऑल द रिवर्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गई ये तो इसीलिए आप ना यहाँ पर थर्ड को एलिमिनेट करो थर्ड को जब मैं एलिमिनेट करूंगी तो मेरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव वाला वो भी एलिमिनेट हो जाएगा बच्चा क्या फर्स्ट एंड सेकेंड अब यहाँ पर जो है बिल्कुल इसका आंसर जो मैक्सिमम बच्चे मुझे दे रहे हैं नेहा अर्चना ने मुझे दिया है तो इसी के साथ इसका आंसर जो है वो बी ही होगा बिल्कुल सही है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट होंगी और यहाँ पर मैं इस थर्ड स्टेटमेंट से मुझे अभी रिसेंट एक करंट अफेयर याद आ गया अगर आप सबने देखा हो ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन विल बी लिंक टू पेनेंजलर इंडिया तो अभी रिवर लिंकिंग की बात हो भी रही है अगर आप सबने करंट अफेयर कर रहे हो तो केन बेटवा ये जो रिवर प्रोजेक्ट है लिंकिंग प्रोजेक्ट ये केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये अभी सुना होगा आप सबने ये न्यूज में भी चल रहा है बिल्कुल केन बेटवा बिल्कुल सही है इस इसपे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका हर एक एस्पेक्ट करना कवर इंपॉर्टेंट है किसने किया कैसे किया क्यों कर रहे हैं कब करना है क्या फेजेस रहेंगे क्या कॉम्पोनेंट्स रहेंगे ये रिवर्स को कैसे आप अरेंज करोगे इससे एसोसिएटेड हर एक डैम के बारे में जो केन रिवर पे बन रहा हो बेटवा रिवर पे बन रहा हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये और इसलिए इसकी वीडियो जब भी आए तो डेफिनेटली देख लेना यहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी उसमें आपको एक रिवर प्लान भी दिखेगा नेशनल रिवर प्लान मैं वो डिस्कस कर दूंगी उस रिवर प्लान के अंदर यही बताया गया है कि हिमालयन ओरिजिन की रिवर्स को और पेनेंजुलर इंडिया की जो रिवर्स है उनको लिंक करना है हिमालयन और पेनेंजुलर को नहीं करना है आपस में हिमालयन की अलग से कॉम्पोनेंट है पेनेंजुलर का अलग से कॉम्पोनेंट है तो so ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना जब ये वीडियो आपके पास आए तो इसके बाद आगे चलती हूं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है Uh, चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है इसको कहाँ यूज किया जाता है प्लास्टिक फॉर्म्स में ट्यूबलेस टायर्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की क्लीनिंग में और एरोसोल कैंस जो होते हैं उसमें एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है बिल्कुल सही है गौदन डैम उसको कवर करता है पहले वाले टॉपिक को लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ बेटवा रिवर्स के भी डैम पूछूं तो वो भी पता होना चाहिए कंप्लीट हर एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी स्विंकल की तरफ से और विनय कह रहे हैं ऑप्शन डी ओके तो और मेरे पास ऑप्शन आया है अजय का ऑप्शन ए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा एक्चुअली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जिन्होंने भी सी आंसर दिया है क्योंकि यहां पर बेसिकली ट्यूबलेस टायर की प्रोडक्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं होते हम मोस्टली यही बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन में सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे ये ये हर एक बच्चे का एक परस्पेक्टिव रहता है लेकिन कभी कभी यूपीएससी को पता है कि सब ऐसे ही मार्क करेंगे जब नहीं पता होता तो ऑल ऑफ द अबव मोस्टली बच्चे मैंशन करके आते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है स्मार्ट वर्क से चलो कभी कभार जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी पढ़ाई हमारी इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं वहां पर देखो ट्यूबलेस टायर जो है उसकी प्रोडक्शन में नहीं होते ये यूज इसीलिए जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आप आगे से पढ़ो कोई भी हो वो देखो कि उन सब्सटांसेस का कहां पर यूज होता है ठीक है तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली अगला क्वेश्चन ये उस टाइम का क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सी बक्थोन उस टाइम पे इसकी कल्टीवेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है इसकी कल्टीवेशन को एनकरेज करती थी यूपीएससी ने चार स्टेटमेंट्स दे दी कि ये जो है सॉयल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करेगा ये बायोडीजल का एक रिच सोर्स है ये बेसिकली इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये बेसिकली कोल्ड एरियाज में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है वहां पर ये थ्राइव करेगा इसकी इसके जो टिम्बर है उसकी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है ठीक है तो क्या लगता है इसका राइट right आंसर क्या होगा यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है यूपीएससी ने सी बक्थोन प्लांट दे दिया इसके अंदर इसका राइट right आंसर मेरे पास स्विंकल कह रही है वापस से कि ऑल ऑफ वाला ही होगा ऑप्शन डी और किसी का कोई आंसर है रिया अर्चना अर्चना कह रही है सी फर्स्ट एंड थर्ड ओके और किसी का कोई आंसर आनिंदे इज योर आंसर चिंतन का आंसर आया ए नेहा इज सेइंग डी आशुतोष इज सेइंग फर्स्ट एंड थर्ड ओके सी बेसिकली आप फर्स्ट एंड थर्ड की जगह जो भी बच्चे ऐसे मेंशन करते हो सीधा ऑप्शन ए बी सी या फिर डी ये मेंशन कर दिया करो मेरे पास एक और आंसर आ गया है डी कृष्णा इज योर आंसर सब लोग जो आप डेली आंसर करते हो फटाफट से अपने आंसर दिया करो विनय का आंसर आ गया ठीक है, है यहां देखते हैं इसका आंसर क्या है सी इसका आंसर है बिल्कुल सही है फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड नहीं है ये बायोडीजल का कोई ऐसा ये प्लांट ऐसा नहीं है कि बायोडीजल का कोई अच्छा बहुत अच्छा सोर्स हो अगर नहीं है तो इससे मैं सेकंड और बी और डी जितने भी आंसर ये बी और डी वाले हैं ना मैक्सिमम डी आंसर मेरे पास आए हैं तो डी तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो ये सोचकर कि बायोडीजल नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन से फिर हम 50 50 वाले केस पे आ जाते हैं कभी कभार 50 50 वाले केस में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा थोड़ा लक काम कर जाता है या हमारी कभी स्मार्ट गैस काम कर जाती है एटलीस्ट आप फोर क्वेश्चन से एलिमिनेट करके दो पर तो आ गए ये भी बहुत बड़ी बात होती है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं वेटलैंड्स वेटलैंड्स तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वेटलैंड्स पे यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं हर साल पूछ रही है और अब आप सब बच्चों को तो ये पता ही होगा कि वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है यहां पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इंडिया के अंदर टोटल जियोग्राफिकल एरिया कोस्टल वेटलैंड्स का वो ज्यादा है देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड तो यहां पर बेसिकली आंसर पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इसके अंदर अगर मैं बताऊं उस टाइम पे अगर जियोग्राफिकली उस टाइम का जो एरिया है तो यहाँ गुजरात जो है वो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कोस्टल वेटलैंड यहां पे आएगा इनलैंड वेटलैंड्स तो जो कोस्टल वेटलैंड है ऐसा नहीं है कि उनका एरिया ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनलैंड वेटलैंड बल्कि इनलैंड वेटलैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू कोस्टल वेटलैंड यहां से इस क्वेश्चन को इसके आंसर को समझने से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेटलैंड का हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कहीं से भी कोई भी न्यूज वेटलैंड की देख रहे हो उस पर फाइव स्टार दे देना क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर यूपीएससी ने वेटलैंड से क्वेश्चन नहीं पूछा हो और यहां पर मेरे पास जितने भी ए आंसर आए हैं बिल्कुल सही हैं आप सबके ए आंसर्स अगला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर वो बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे रेज कर रहा है वो क्या रेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रही है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है क्यों होता है ऐसा क्यों बिकॉज इट एब्जॉर्ब इट एब्जॉर्ब वॉट चार ऑप्शन दिए हैं वॉटर वेपर को अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन को सोल जितनी भी सोलर रेडिएशन है सबको या फिर इंफ्रा पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन जल्दी से मुझे अपने आंसर चैट सेक्शन में दो मेरे पास बी और ए आंसर आ रहा है ओके और यहां पर इसका राइट आंसर देखो हम लोग कहाँ थोड़ा भी रिवीजन में ओके मेरे पास एक आंसर आया है सिर्फ आप में से सिर्फ एक जो अभिषेक है उन्होंने आंसर इसका दिया है डी और इसका आंसर डी है ये चीजों को थोड़ा समझो कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं हम लोग अपने रिवीजन में हमारे स्टार्टेड टॉपिक्स में बहुत इजी टॉपिक में लैक कर रहे हैं ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है और मैं आप सबको जरूर सजेस्ट करूंगी आप में मैंने जहाँ तक आप सबको एनालाइज किया है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपके ज्योग्राफी के गलत होते हैं मोस्टली बाकी सब ठीक रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स के ज्योग्राफी के आंसर्स गलत होते हैं तो ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करो और यहाँ पर ना देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब है जब ग्लोबल uh, वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड जब अमाउंट में इंक्रीज कर रही है तो जो सन की जो रेडिएशन है वो धरती पर तो आ गई अर्थ है ये हमारी ये मेरा सन है सन की रेडिएशन अर्थ पे आ गई अब ये क्या है ये क्लाउड्स हैं इधर और यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लगा लो ये छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड जब ये वापस रेडिएट करती है अर्थ क्या करती है रीएमिट जब अर्थ रीएमिट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर हैं जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर है वो इंफ्रा रेड रेडिएशन सोलर रेडिएशन के अंदर से भी जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस जो है वो जाने नहीं देती इसीलिए हमारी अर्थ जो है फिर वो गर्म हो जाती है ठीक है ये इसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट और फंडाज हैं ये आपके स्टार्टिंग में आपको जरूर मिल जाएंगे इन सबको अपने क्लियर करो थोड़ा सा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बात आ रही है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स की उसी टाइम से 2012 से यूपीएससी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स पे क्वेश्चन पूछ रही है धीरे धीरे तो अब बी टी कॉटन बी टी ब्रिंजल जीएम मस्टर्ड इन सब पे सवाल आने लग गए हैं करंट और ओरिएंटेड आने लग गए हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स उस टाइम से ही इंपॉर्टेंट हैं इससे जो भी क्वेश्चन आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो जो भी ऐसी क्रॉप हो उन सबके बारे में ध्यान रखना है अब यहां पर चार दिए हुए हैं अदर देन टू पेट्स आर द प्रोस्पेक्ट फॉर विच ये हमें जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स क्यों क्रिएट करने चाहिए हमें पता है ये पेस्ट तो होते हैं इसके अलावा क्या क्या होता है ड्रॉट को विट स्टैंड कर पाते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज करते हैं हैंबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं स्पेसशिप्स और स्पेस स्टेशन के अंदर और उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज होती है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एवरीबडी डन लॉग्ड यहाँ तो किसी का भी आंसर गलत नहीं आया बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन सी जित जिन्होंने भी आंसर दिया और जिन्हों का मतलब सबने ही आंसर दिया है तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ बिल्कुल ठीक है ऐसा कोई भी नहीं है कि स्पेस और स्पेस स्टेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है वेल डन एवरी आगे चलते हैं ओके एनवायरमेंट सेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है बांदीपुर भितरकनिका मानस सुंदरबन विच ऑफ द अब आर टाइगर रिजर्व देखो ये नेशनल पार्क तो हैं लेकिन आप लोग क्या करो एक एडवाइस देती हूँ आपको आप लोग ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल पार्क कौन सा है टाइगर रिजर्व कौन सा और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है ठीक है यहाँ पर बेसिकली समझो बात को जब भी एक मैप प्रिपेयर कर लो एक मैप लो पता नहीं एक या दो रुपए का एक मैप आता है पता नहीं कितने का हो गया होगा वो मैप आता है उस मैप के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं थोड़ा टाइम लगेगा सारे नेशनल पार्क नोट कर लो उन नेशनल पार्क्स में जहां जहां भी सपोज एक नेशनल पार्क है फॉर एग्जांपल मैंने मानस ही ले लिया मानस एक नेशनल पार्क है अब ये मानस नेशनल पार्क मैंने मैप में तो लगा दिया नोट कर दिया लेकिन इसी के साथ एक रेड पेन लो और वहां पर ना ब्रैकेट ब्रैकेट में नहीं ऐसे साइफन डाल के टी आर लिख दो टाइगर रिजर्व तो जितने भी नेशनल पार्क का आप मैप बनाओगे जो जो टाइगर रिजर्व है ना उन्हीं के साथ एक दूसरे कलर के पेन से टी आर टी आर लिख दोगे तो हमेशा के लिए चीजें ध्यान रह जाएंगी ठीक है यहां पर अब मेरे पास जो आंसर आ गए मोस्टली बी आंसर आया है और बी ही बिल्कुल सही है क्योंकि भितरकनिका जो है वो एक टाइगर रिजर्व नहीं है भितरकनिका कहां पर है भितरकनिका कौन सी स्टेट में है सभी का आंसर चाहिए मुझे वेर इज भितरकनिका एवरी वन हरिया ओडिशा बिल्कुल सही है और बांधीपुर कहाँ है वेर इज बांदीपुर वेर इज बांदीपुर जल्दी जल्दी मुझे स्टेट का नाम मेंशन करो हरियप बिल्कुल सही है बिल्कुल सही एवरी वन बिल्कुल सही है अपने बस रिवीजन करते रहो यहां पर आप कहीं लैक नहीं कर रहे हो सिर्फ रिवीजन देखते रहो और जोग्रफी जो है आई से कि अच्छे से कर लेना ठीक है आगे चलू नेक्स्ट क्वेश्चन रखू रेडी सो हेर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन मानस असाम में ये सबको पता होगा सुंदरबन भी क्योंकि ये मैंने काफी बार पूछ लिया है ओके एंडेंजर्ड स्पीशीज का ग्रुप इनमें से कौन सा है देखो किस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है आप समझ रहे हो यहाँ पर बात को यहां पर कैटेगरीज दे दी और स्पीशीज की एनिमल्स की और यूपीएससी ने पूछा कौन सी कैटेगरी इसमें से एंडेंजर्ड स्पीशीज की है आपको याद होगा कल ही मैंने आपसे एक तो आई थिंक गंगा रिवर डॉल्फिन इसके बारे में पूछा था और साथ ही साथ मैंने आपसे पेंगोलिन जो स्केली एनिमल है इसके बारे में पूछा था ध्यान है सबको कल मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर्स दिए थे और अभी तक वो होमवर्क कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि आपके पास एक काफी लंबा टाइम फ्रेम मिल गया पूरे जनवरी के अच्छे से याद कर सकते हो यहां पर इसका आंसर समझाने से पहले अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं गंगा रिवर डॉल्फिन पैंगिन ये दोनों मैंने कल आपसे पूछे थे और यहां पर ये दोनों ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में थे काफी बच्चों ने मुझे उन बच्चों के नाम भी याद हैं जिन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको बताया था बट क्या नाम है उन बच्चों के वो नहीं बताना है मुझे यहाँ पर यहां मुझे ये बताना है कि ये ध्यान रह गया कि अब ये दोनों एंडेंजर्ड हैं तो ऐसे ही यूपीएससी ने देखो अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो कल को आप चीजों को बस इतने दो चीजों से भी कल को कितने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओगे आई यू गेटिंग माई पॉइंट कि ये चीजें जो मैं आपसे पूछ रही हूं ये सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं अब यहां पर इसका आंसर जो आप सबने गेस कर लिया है अब इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर है ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी न्यूज में रहता है और इसके ऊपर अभी रिसेंटली शायद एक वीडियो भी मैंने प्रिपेयर करी है जहां आपको मिल जाएगी या आपने देख ली होगी प्ले के अंदर uh, काफी जनवरी या फेबर के करंट अफेयर में भी ये न्यूज में था और अभी मार्च के करंट अफेयर में भी काफी न्यूज में रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इफ यू वॉन्ट मैं आपके स्पीशीज पे एक वीडियो बना दूंगी लेकिन यहां पर आंसर इसका ए है आ, बिल्कुल अब आंसर से ज्यादा क्योंकि आईयूसीएन स्टेटस देखो यहाँ पर आईयूसीएन स्टेटस 2012 का क्वेश्चन है आईयूसीएन स्टेटस तो क्या पता चार साल बाद पांच साल बाद चेंज हो गया होगा क्या पता जो एंडेंजर्ड है वो वल्नरेबल में चला जाए तो इसीलिए सबसे पहले तो 2012 के हिसाब से उस टाइम पे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसका ऑप्शन है ए अब यहाँ पर वो मेरे को ये बताओ कल वाला सबको ध्यान है या नहीं पैंगोलिन पे क्वेश्चन पूछा था और साथ साथ डॉल्फिन पे क्वेश्चन पूछा था गंगा रिवर डॉल्फिन पे और मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते ठीक है तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस अब यूपीएससी आपसे पूछ सकती है इन चीजों को ध्यान रखना और याद जरूर करते रहा करो भूल जाओगे रिवीजन जरूर करो आगे चल ले अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक्स का क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें से पूछा हुआ है इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर लोकल पीपल को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता कि वो बायोमास यूज कर सके या फिर बेसिकली कुछ कलेक्ट कर सके बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑप्शन सी कह रही है स्विंकल ओके एनी वन एल्स अभिषेक कह रहे हैं ऑप्शन बी नेहा सी वर्ड देखो नॉट अलाउड मैं रिपीट कर रही हूं कि बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता कि आप बायोमास को यूज कर सको और कलेक्ट कर सको जल्दी से मुझे इसका आंसर दो और यह आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है मतलब एनवायरमेंट का स्टैटिक क्वेश्चन है बिल्कुल स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन और इसका आंसर बेसिकली है नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिज़र्व नहीं है काफ़ी बच्चों ने बायोस्फीयर रिजर्व और वेटलैंड्स दिया है वेटलैंड और बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है कि मिलजुल कर रहे मैन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो एक ह्यूमन एरिया भी डिफाइन किया हुआ है लेकिन नेशनल पार्कस के अंदर बिल्कुल भी कलेक्ट करने के लिए और बायोमास को यूज करने के लिए लोकल पीपल अलाउड नहीं है ये बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस हैं ये आपके बताते हैं कि आपको कहाँ पर रिवीजन करनी है किस एरिया में करनी है और अगर नहीं करी अभी तक उस पार्ट पे नहीं गए हो तो कोई बात नहीं लेकिन अगर पढ़ लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं और ये मैंने फ्रेम नहीं करे हैं ये यूपीएससी ने खुद से फ्रेम किए हुए हैं और इतने इस, मतलब इनका लेवल भी अगर हम देखें ना तो एक होता है ईजी एक होता है मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट ये क्वेश्चन ईजी लेवल के क्वेश्चन में आते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे इजी लेवल क्वेश्चंस हमें गलत नहीं करने हैं आगे चलते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है ये देखो इकोसिस्टम काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने डिस्क्राइब किया था कि इकोसिस्टम काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोविजनिंग सर्विसेज सपोर्टिंग सर्विसेज रेगुलेटिंग सर्विसेज और प्रिजर्विंग एंड कल्चरल सर्विसेज अब इन सर्विसेज में काफी सर्विसेज ये तो हेडिंग्स दे दी इन सर्विसेज के अंदर काफी सर्विसेज आती हैं तो यूपीएससी ने पूछा सपोर्टिंग सर्विस के अंदर क्या आता है प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज न्यूट्रिय साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी तो सपोर्टिंग सर्विस कौन सी है जल्दी से मुझे अपना आंसर दो इसका आंसर जो आप मुझे डी दे रहे हो एक्चुअली इसका आंसर न्यूट्रिय साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन भी है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर भी आता है प्रोविजनिंग सर्विसेज के अंदर आता है फूड एंड वाटर सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर और क्या क्या आता है सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट साइकिल ये सब भी आता है सपोर्ट करने की बात करूं रेगुलेटिंग सर्विस की बात करूं अगर मैं तो रेगुलेटिंग के अंदर क्या आता है जब आप रेगुलेट कर रहे हो फ्लड को क्लाइमेट को डिसीज को ये सब रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंदर आता है साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कल्चरल और प्रिजर्विंग सर्विसेज की तो जो भी स्पिरिचुअल सर्विसेज होती हैं कल्चरल सर्विसेज होती हैं वो सारी प्रिजर्विंग एंड कल्चर के अंदर आती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको टॉपिक ना इको के अंदर इको सिस्टम वाला चैप्टर जब भी पढ़ोगे इको का अगर मैं शंकर आई यूज कर रहे हो तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है और इको के चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट है ये ठीक है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया बायोडावर्सिटी को कैसे कैसे थ्रेट हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से हैबिटेट्स के फ्रेगमेंटेशन से एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से या फिर वेजिटेर को प्रमोट करने से बिल्कुल सही था आपका आंसर अब अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर दो यहां पर ये यह काफी इजी क्वेश्चन है ये तो मतलब हम लोग हर दिन न्यूजपेपर भी पढ़ें तो भी हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ऑप्शन ए मुझे अभिषेक ने सबसे पहले आंसर दे दिया है स्विंकल विनय कृष्णा इज सेंग सी ओके नहीं तो एवरी वन इज सेंग ए मोस्टली बच्चों का ए आंसर आ रहा है अर्चना का भी ए आंसर आ गया है नेहा का A है रिया अनिंदे विमल विनय अजय ओके अजय का भी ए है सबका ए है बिल्कुल सही है आशुतोष का भी ए है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने ए दिया है ग्लोबल वार्मिंग हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से होती हैं थ्रेट्स वेजिटेरियनजम को प्रमोट करने से कोई थ्रेट नहीं होता ठीक है यहां पर इसका आंसर है ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एलियन स्पीशीज जब भी इन्वेट करती हैं तो यहां पर भी उनको क्या होता है थ्रेट होता है आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वापस से स्पीशीज पे क्वेश्चन यूपीएससी स्पीशीज तो मतलब इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मार्क कर लो यूपीएससी कैसे पूछ रही है क्वेश्चन इनमें से इंडिया में कौन सा नेचुरली फाउंड होता है ब्लैक नेट क्रेन चीता फ्लाइंग स्क्वीर स्नो लेपर्ड नेचुरली फाउंड इन इंडिया क्या आंसर होगा इसका कोई गैस कर सकता है अभिषेक कह रहे हैं बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ और सबसे पहले अभिषेक का आंसर आ गया है और बाकी सबका फिर चल रहा है सी सेकेंड एंड फोर्थ ओके लेट मी टेक एवरी वन आंसर विनय और विमल और अर्चना का आंसर आंसर आ गया, नेहा का है बी और इसका आंसर बेसिकली आनिंदे कह रहे हैं सी देखो इसका आंसर है इसका आंसर है बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ चीता नेचुरली इंडिया में फाउंड नहीं होता चीता मिडल ईस्ट के अंदर बेसिकली फाउंड होता है ठीक है नेचुरली फाउंड इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आगे चले और यहाँ पर जितने भी आप स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो देखते हो ना तो वो काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो जरूर देख लिया करो वीडियो का हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए नोट्स की तरह ही काम कर रहा है और ये अब मैं खुद नहीं कह रही हूं ये आप लोग भी समझ रहे हो इन प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन को देख कर कि कितने इंपॉर्टेंट है वो सब आगे चले अगला क्वेश्चन देखो तीन ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करेगी कॉन्ट्योर बडिंग रिले क्रॉपिंग जीरो टेलेज जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दो बहुत इजी क्वेश्चन है बी थर्ड ओनली अजय का सबसे पहले आंसर आ गया है यहां पर मेरे पास और बाकी सबका कहना है सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सी कैसे हो सकता है हाउ इट कैन बी सी मुझे जरा समझाना हाउ इट कैन बी ऑल बिल्कुल सही है एक ही आंसर आया था आई गेस मेरे पास बी अजय का देखो कॉन्ट्योर बंडिंग आपको मैंने उस दिन अभी ध्यान करवाया हो सोयल इरोजन बेसिकली को उसको करने के लिए है जब मैं हिली एरिया में आपको बता रही थी कि कॉन्ट्योर बंडिंग जो है वो भी करी जाती है ध्यान है ठीक है तो यहाँ पर जब फर्स्ट नहीं है अगर हमें इतना भी पता हो कॉन्टोर बंडिंग नहीं है कॉन्टोर बंडिंग मैंने आई डेफिनेटली रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टोर बंडिंग यूज करते हैं ताकि बेसिकली क्या हो पानी जो है जो सोयल इरोजन जो है वो नहीं हो ये इसके लिए पर्पज है सोयल इरोजन के लिए इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से कोई रोल नहीं है तो इतना अगर हमें पता है हाँ बिल्कुल आई रिमेंबर मैंने बताया था आप सबको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में जब फर्स्ट का कोई रोल ही नहीं है तो फर्स्ट तो गलत हो गया ना फर्स्ट गलत हो गया तो सी जो मतलब सी कैसे मार्क किया आप सबने तो यहां इसका आंसर सिर्फ यही है जीरो टेलेट जीरो टेलेट से क्या होता है जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है सॉइल के अंदर कार्बन स्टोर कर लेना ठीक है वो होती है जीरो टेलेट से ये अगर आप मुझे डी भी आंसर कह देते ना तो भी चलो मुझे थोड़ा समझ आ जाता बट करे हुए क्वेश्चन मतलब कॉन्ट्यूर बंडिंग तो समझाया था उस दिन भी एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाया था आई गेस तो यहां पर फिर सी आंसर वेरी बैड आज तो डांट पड़नी चाहिए आप सबको इसीलिए आंसर गलत हो जाए लेकिन गलत भी तो थो थोड़ा, न, थो थो थोड़ा वो होता है ना चीटिंग करो तो थोड़ा वो समझदारी से चीटिंग हो तो यहां पर सी तो कोई आंसर मुझे देना ही नहीं चाहिए था डी दे देते तो भी चलो मुझे थोड़ा समझ आता आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो आप वट वुड हैपन इफ द फाइटो ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन आगे क्वेश्चन कह रहा है तीन ऑप्शन दिए हैं अगर एक ओशन से फाइटो प्लैंगटोन कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे तो किसी भी रीजन से तो क्या होगा आंसर दो जल्दी से तीन ऑप्शन है फाइटो अगर ओशन में खत्म हो गए तो ओशन एक एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड फूड चेन ओशन के अंदर वो एडवर्सली इफेक्ट होगी ओशन वाटर की डेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगी ओके okay? अब क्या लगता है आंसर क्या होगा अब मैं आपको ना तब थोड़ा आपको डांट पड़ेगी जहां पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर दोगे आंसर गलत हो जाएगा तो समझ आएगा लेकिन जब आंसर ऐसे दोगे कि हम कुछ एलिमिनेट कर सकते थे तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए तो वो ऑप्शन तो आपके आंसर में आना ही नहीं चाहिए ठीक है मेरे पास आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो अब आगे चलते हैं इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जो एलिमिनेट किया है ना अपने लिए घर बैठ के सबसे पहले तो क्लैपिंग कर दो बिल्कुल सही है फर्स्ट एंड सेकंड ये ड्रास्टिकली डिक्रीज तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है थर्ड थर्ड गलत हो गई तो सी और डी गलत हो गया जिन्होंने भी जरा लेटमी सी किसी ने डी आंसर दिया है क्या आई एम नॉट गेटिंग किसी ने डी आंसर दिया बट स्टिल जो मुझे अभी तक आंसर नजर आ रहे हैं वो सब ए है फर्स्ट एंड सेकेंड तो बिल्कुल सही है फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं वल्चर वल्चर विच यूज टू तो बी वेरी कॉमन इन इंडिया सम इयर्स ए गो आर रेयरली आजकल वल्चर दिखाई ही नहीं देते ऐसा क्यों उनकी नेस्टिंग साइट्स में डिस्ट्रक्शन हो गई है या एक ड्रग को यूज किया जाता है कैटल ओनर्स के द्वारा जो वल्चर्स अगर खाते हैं तो वो एक उनके लिए बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है फूड अवेलेबल नहीं है उसकी स्कारसिटी हो गई या फिर बेसिकली वो वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फेटल डिसीज उनके अंदर हो गई है क्या लगता है आंसर दो जल्दी से ऑप्शन बी मेरे पास एक आंसर आ गया है। ऑप्शन बी एवरी वन अगर मुझे ऑप्शन बी बता रहे हो तो किसी को इस ड्रग का नाम याद है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मैं आपसे पूछ रही हूं ये ड्रग का नाम याद है बिल्कुल सही है ड्रग की वजह से होता है कैटल ऑनर्स ना जो अपने उनकी जो डिसीज कैटल होती है उसको एक ड्रग देते हैं उन ड्रग से फिर आगे जब वो कैटल को जो कैटल अगर बीमार हो जाए अगर वो वल्चर तो आपको पता है ये किन पे बेसिकली उनके किस पे डील करते हैं उनका खाना क्या है यही खाना है उनका तो वो बेसिकली ड्रग फिर उनको इन्फेक्ट करती है बिल्कुल सही मेरे पास आंसर आया है सबका रिया का सबसे पहले आंसर आया था नेहा अर्चना अभिषेक बिल्कुल सही डाइक्लोफिनक डाइक्लोफिनाक ड्रग जो है वो यूज करी जाती है कैटल ऑनर्स के द्वारा अपनी डिसीज कैटल के ट्रीटमेंट के लिए जो कि वल्चर्स के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है वेल डन एवरी वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन है बायोपेस्टिसाइड्स पे बायोपेस्टिसाइड सबको पता होगा क्या होते हैं जिनको नहीं पता मैं एक बार के लिए बता देती हूं कुछ नहीं होता बायोपेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स किल करने के लिए ही होते हैं जो भी पेस्ट होते हैं वो बायोपेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हो जो पेस्ट को किल करेंगे कंट्रोल करेंगे लेकिन कोई नॉन टॉक्सिक वे नहीं होगा समझ रहे हो टॉक्सिक वे कुछ भी नहीं होगा नॉन टॉक्सिक वे से होगा बायोपेस्टिसाइड्स तो अब यहां पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पेस्टिसाइड कौन इनमें से बायोपेस्टिस हैं बैक्टीरिया फंगी फ्लावरिंग प्लांट्स जल्दी से अपने आंसर मुझे दो ऑप्शन ए मेरे पास एक आंसर आ गया है इज सेंग सी फर्स्ट एंड थर्ड ओके अभिषेक सेकेंड एंड थर्ड और किसी का कोई आंसर है अनिंदे प्रिया अर्चना विमल विनय अभिषेक का आंसर आ गया है आशुतोष का आ गया है ओके आशुतोष सिंह ऑल एंड अनिंदे सिंह डी और यहां पर विनय सिंह बी ओके लेट लेट सी द आंसर बिल्कुल सही है उनका आंसर जिन्होंने डी दिया और काफी कुछ तीन चार आई बच्चे हैं जिन्होंने डी आंसर दिया है तो डी आंसर बिल्कुल है तीनों ही बायोपेस्टिस हैं बैक्टीरिया फंगी और फ्लावरिंग प्लांट्स आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बायोमास गैसिफिकेशन बायोमास गैसिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यहां पर यूपीएससी ने पूछा है आपसे तीन स्टेटमेंट्स बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है जब आप बायोमास को बेसिकली क्या कर रहे हो जब बायोमास जलाते हैं कंबशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन होता है इनकम्प्लीट कंबशन अब उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कोकोनट शेल ग्राउंडनट शेल रस हज कैन बी यूज इन बायोमास गैसिफिकेशन जब इसको जलाते हैं तो जो गैसेस जनरेट होती हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है कंबस्टिबल गैसेस जो हैं जो जनरेट होती हैं दे कैन बी यूज फॉर हीट जनरेशन लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते क्या लगता है इसका राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे अपने आंसर चैट सेक्शन में दो और ऑप्शन डी जिन्हें नहीं नजर आ रहा उसका है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ए मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं डन ऑप्शन ए श्योर एवरी वन बिल्कुल सही है फर्स्ट सबका सही है आनिंदे रिया विनय सबका नेहा नह, बिल्कुल सही है सेकंड तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना चाहिए हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन ये सब गैसेस भी होती हैं तो सेकंड अगर डिलीट हो गया तो एलिमिनेट हो गया तो बी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए बचे ए एंड सी सी भी गलत है क्योंकि इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर थर्ड भी गलत और आप सबने जो भी आंसर दिया है परफेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं यूवी रेडिएशन जो हैं उनका रोल क्या है इन द वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं अनडिजायरेबल ऑर्डर जो है पानी के अंदर जितने भी हैं सारे ऑल द अनडाइजरेबल ऑर्डर उनको रिमूव कर देते हैं क्विकन कर देते हैं सेडिमेंटेशन को सॉलिड पार्टिकल्स की टर्बिडिटी को भी रिमूव कर देते हैं और पानी के अंदर क्लैरिटी आ जाती है क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा स्विंकल का आंसर आया है सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड ओके अभिषेक का आंसर आया है सिर्फ फर्स्ट अभिषेक एंड आशुतोष आर ए अभिषेक आशुतोष अर्चना ऑप्शन ए नेहा इज ऑल्सो सेंगे ऑप्शन ए आनंदे इज ऑल्सो सेंग ऑप्शन ए अपार्ट फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स एवरी वन इज सी देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहां पर सबसे पहले तो ये आ गया जितने भी अनडिजायरेबल ऑर्डर्स हैं सबको जो है वो रिमूव कर देती है यूवी रेडिएशन पानी में से सेकेंड हो गया गलत तो किसी ने बी आंसर तो नहीं दिया ना मतलब किसी ने बी और डी तो बिल्कुल मेरे पास आंसर नहीं आने चाहिए बाकी बचा क्या ऑप्शन सी ठीक है ये मैं समझ सकती हूँ फिफ्टी फिफ्टी वाला फिर आप केस हुआ आपका फॉर थर्ड भी जो है ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन को बहुत क्विकन कर देती है तो थर्ड भी गलत है और इसका आंसर जो है फिर वो फर्स्ट हो जाता है ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रफीन जो है ग्रफीन उस टाइम पे काफी न्यूज में रहा तो यूपीएससी ने सीधा सीधा पूछ लिया न्यूज में है आप मुझे बता दो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टू डायमेंशनल मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का गुड कंडक्टर है थिनेस्ट है लेकिन स्ट्रॉंगेस्ट है एंटायरली पूरा का पूरा सिलिकन से बना हुआ है और बहुत ज्यादा ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी है इसको कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स के अंदर टच स्क्रीन के अंदर एल सी डीज यहां पर इसको यूज किया जाता है क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा अगर एलिमिनेट कर पाओ तो वो जो दो ऑप्शंस हैं उसको अगर एलिमिनेट कर सकते हो कुछ कुछ आइडिया एनी वन ऑप्शन बी एंड सी मेरे पास आंसर आ रहे हैं सबके देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या है बिल्कुल सही है जिन्होंने भी सी आंसर दिया है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पूरा का पूरा सिलिकन से बना हो ऐसा नहीं है इसके अंदर काफी लेयर्स होती है एंटायरली मेड ऑफ सिलिकन सबसे पहले तो नहीं है इसीलिए थर्ड जो है बी ओ डी तो किसी के भी आंसर नहीं आने चाहिए मेरे पास बाकी बचा ए और सी तो इसका आंसर जो है फोर्थ पी है ये टच स्क्रीन और एल के अंदर भी इसको यूज किया जाता है वेल डन एवरी बिल्कुल सही है आगे फिर एक क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने लेड के रिगार्डिंग कि लेड जो है वो हेल्थ हिजार्ड तो है ही लेकिन इसको बैन भी कर देना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज से लेड पॉइजनिंग हो सकती है स्मेल्टिंग यूनिट से पेन पेंसिल से पेंट से हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स से जल्दी से मुझे अपने आंसर्स दो यहाँ पर आप समझ रहे हो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है चाहे आपके पास ग्राफीन न्यूज में है उसकी इंपॉर्टेंस उसकी एप्लीकेशन ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। लेड पॉइजनिंग कहाँ से सोर्सेज उसका सोर्स उसका एप्लीकेशन किसी भी चीज को देखो तो ऐसे जरूर किया कवर किया करो नहीं एक्चुअली मैंने इस सेशन के या कल ही बता दिया था कि आज जो है क्योंकि हम 2012 का जो पेपर है अभी इन्हीं दिनों में ही डिस्कस कर रहे हैं इसी हफ्ते से 2012-13 यही पेपर डिस्कस हो रहा है तो आई थॉट कि स्मार्ट वर्क से इसकी पूरे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने चाहिए क्योंकि अच्छे से एनालिसिस मैंने कर दी थी उनकी ओके मेरे पास आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन डी और इसका आंसर एक्चुअली में ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड पेन और पेंसिल के अंदर लेड जो है वो ये नहीं यूज़ होती ग्राफीन भी यूज़ होता है थोड़ा सा सबसे पहले तो लेड पॉइजनिंग क्या लेड पॉइजनिंग पेन और पेंसिल से हो सकती है मतलब थोड़ा सा भी अगर हमें थोड़ा ऐसे आइडिया लगे कभी कभार थोड़ा थोड़ा होता है ना कि सोच लेना चाहिए कि पेन पेंसिल हम डेली में यूज़ कर रहे हैं और सबसे पहले तो ये इसमें ग्राफीन भी होता है तो यहाँ पर उसकी जो पेन पेंसिल होती है तो इसीलिए ऑप्शन टू तो रहा ही नहीं ऑप्शन टू नहीं रहा तो सीधा एलिमिनेट किया और हम अपने ऑप्शन बी पे पहुंच गए समझ रहे हो कैसे ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे गेटिंग माई पॉइंट तो यहां से एलिमिनेशन से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया आगे चलते हैं यूनिवर्स एक्सपेंशन के अंदर यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है आज भी हो रहा है क्या क्या एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है चार स्टेटमेंट्स दी है माइक्रोवेव डिटेक्शन होती है रेड शिफ्ट फिनोमिना रेड शिफ्ट फिनोमिना काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड स्पेस के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती हैं स्पेस के अंदर तो ये एविडेंस है ध्यान रखना वो पूछ रही है चारों ऑप्शन स्टेटमेंट्स चाहे खुद में ठीक होंगे यूपीएससी पूछ रही है इनमें से यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए कौन कौन से एविडेंसेस इसमें से हो सकते हैं ओके आई एम गेटिंग द आंसर सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सबका आंसर सी है नेहा इज सेंग ए ओके ए इज फर्स्ट एंड सेकेंड रियाई सिंह भी काफी आंसर वेलिड हो रहे हैं ओके लेट एस सी वट द राइट आंसर इज इसका आंसर एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकेंड है देखो एस्टेरायड्स की जो मूवमेंट हो रही है स्पेस के अंदर ठीक है हो रही होगी एस्टेरॉयड बेल्ट भी आपको पता होगा ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है एस्टेरायड की मूवमेंट कोई यूनिवर्स एक्सपेंशन के अंदर एक एविडेंस नहीं है अगर नहीं है तो थर्ड गलत हो जाता है तो यहाँ से सी गलत हो गया और ये ना ये रेड शिफ्ट फिनोमिना माइक्रोवेव की डिटेक्शन ये आपके ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर ही है नेबुलर हाइपोथेसिस सुना होगा ये पूरा ज्योग्रफी का ही कंसेप्ट है वहां पर ये दो टर्म्स आपको शुरू में ही दिख जाएंगी माइक्रोवेव के डिटेक्शन और रेड शिफ्ट फिनोमिना तो इसलिए ये गलत हो ही नहीं सकती थी फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड जो है इसका राइट आंसर होगा ये ज्योग्रफी के कंसेप्ट है थोड़े से ज्योग्रफी के कंसेप्ट को अपना शार्प करो और लास्ट जो है क्वेश्चन जो यहां पर पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि रैपिडली एनर्जी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है उसको मीट करना है तो इंडिया जो है वो क्या कर सकता है थोरियम और यूरियम यूरेनियम इस पे बेसिकली सवाल पूछा हुआ है कि इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल क्या एडवांटेजेस हैं डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम यूरेनियम की माइनिंग भी अभी चल रही है मैंने आपको बताया था मिनरल्स इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में हो रही है यूपीएससी ने पूछ लिया थोरियम और यूरेनियम के बीच में एक ऐसे टसल से कि क्या एडवांटेज है थोरियम के थोरियम इज मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल्स थोरियम जो है ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम थोरियम लेस हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम वट डू यू थिंक क्या इसका राइट right आंसर होगा मेरे पास आंसर आया है कृष्णा का ऑप्शन डी और बाकी सब बोल रहे हैं ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड और यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन डी जो चारों स्टेट तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं थोरियम जो है मोर अबंडेंट इन नेचर है एज कम्पेयर टू यूरेनियम मोनोजाइड सैंड्स के बारे में नहीं सुना मोनोजाइड सैंड थोरियम से रिलेटेड है यूरेनियम कहाँ पर मिलता है यूरेनियम की अभी हम लोग माइनिंग करनी हमने शुरू करी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर थोरियम थोड़ा ज्यादा अबेंट में है यूरेनियम का और थोरियम का जो एनर्जी है ना वो भी फोर टाइम्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू यूरेनियम और थोरियम थोड़ा लेस हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करता है इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ठीक है इसीलिए अब यहाँ पर इसको जाने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ दो कोर्सेज आपको पता है सबको जो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देती हूँ करंट अफेयर की लाइव कोचिंग होगी 2021 का जो प्रलिम्स आ रहा है जो अटेम्प्ट देना चाहते हैं साल भर के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे आपको एन का भी एक बैच है एन स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके पास अभी बहुत टाइम है आप एन भी कवर कर सकते हो दोनों कोर्सेज के लिए टेस्ट होंगे पी नोट्स होंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स में अवेल करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप मेरा कोड यूज कर सकते हो आरजू आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इसी के साथ अब आपको आपका होमवर्क ध्यान होना चाहिए होमवर्क के लिए बहुत ज्यादा टाइम आप सबको मिल चुका है जहां पर जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स देने हैं क्योंकि आप फर्स्ट से फिफ्टींथ जनवरी के करंट अफेयर्स जो है वो कर भी चुके हो थोड़े और सिक्सटीन से थर्टी फिर मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगी सैटरडे है तो कल हमारा सेशन नहीं होगा संडे ऑफ रहेगा मंडे को होली है तो इसी के चलते आपके पास तीन दिन के लिए टाइम मिल गया है जनवरी के कंप्लीट करंट अफेयर्स को अच्छे से करने का ठीक है तो बहुत अच्छे से करना कहीं से भी क्वेश्चन पूछूंगी आई गैस आपको आएगा और साथ ही साथ यहां पर जहां आपके आज आंसर्स गलत हुए हैं इन आंसर्स के गलत होने के पीछे क्या रीजन है अपने आप को एनालाइज करना है आई रिक्वेस्ट कि कभी लो नहीं होना एक्चुअली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि वो लो हो सेशन के एंड में भी आए हाँ खुशी से और जाओ खुशी से ऐसा वाला होना चाहिए आंसर सही हो या गलत मैटर नहीं करता है मैटर यहाँ करता है आप पार्टिसिपेट करते हो आंसर देते हो माइंड चलाते हो यही इंपॉर्टेंट है आपको यही चीजें बाकी बच्चों से बहुत आगे लेके जाएंगी दिस आई एम श्योर इसी के साथ आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक अच्छा लगता है सेशन तो लाइक जरूर कर दिया करो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लिया करो क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सब होते हैं लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते उन पे बनती है सो थैंक यू एवरी वन हैपी होली टू ऑल ऑफ यू प्रिकॉशंस के साथ खेलना ज्यादा नहीं खेलना क्योंकि कोविड चल रहा है इसका भी ध्यान रखना तो टिल देन वापस से कुछ क्लासेस uh, जिसके अंदर हम ट्वेंटी आई थिंक इकोनॉमी सेक्शन लेंगे वो हमारा लास्ट सेक्शन रह जाएगा 2010 तक के पेपर्स तक का हैप्पी होली है टेक केयर विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक खुश रहो स्वस्थ रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो रिविजन करते रहो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो थैंक यू एवरी वन टेक केयर